हेलो फ्रेंड्स, टुडेज़ टॉपिक इज़ वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स क्या होती है? वाइटल फोर्स एक ऐसी डायनामिक पावर है जो हम सबकी बॉडी में प्रेजेंट होती है। डायनामिक फोर्स ही वो पावर है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक डेड से डिफरेंशिएट करती है। चलिए हम लोग वाइटल फोर्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इट इज़ दिस सुपर सेंशुअल थिंग विच मेंटेन्स द बॉडी इन लिविंग कंडीशन। तो वाइटल फोर्स हमारी बॉडी को लिविंग कंडीशन में मेंटेन रखती है। दिस मेक्स ऑल द डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड डेड। मैंने आपको पहले ही बताया, लिविंग और डेड के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है जो वो है वाइटल फोर्स। जो वाइटल फोर्स टर्म है वो हैनेमन ने दिया था, और वाइटल फोर्स का यूज़ सबसे पहले ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के 5th एडिशन में किया गया था, जो कि 1833 में पब्लिश हुई थी। जो कि वाइटल फोर्स है वो वाइटल प्रिंसिपल टर्म से रिप्लेस कर दिया गया था ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की नेक्स्ट यानी 6th एडिशन में। अब हम देख लेते हैं वाइटल फोर्स का नेचर। तो वाइटल फोर्स स्पिरिचुअल, ऑटोमेटिक, ऑटोक्रेटिक, डायनामिक और अनइंटेलिजेंट फोर्स होती है। हम एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मतलब क्या होता है? इमटीरियल, कोई ऐसी चीज़ जिसकी होने की हम लोग को प्रेजेंस ना पता चले, मतलब पता ना चले कि वो है। मतलब कैसे हम लोग को कोई चीज़ की होने का आभास होता है? या तो वो दिखती है, हम उसे सुन सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन वाइटल फोर्स को ना हम देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना टच कर सकते हैं। वो हमारे किसी भी सेंस से हम उसको पता नहीं कर सकते। आइए देखते हैं। स्पिरिचुअल मीन्स इमटीरियल, इट इज़ नॉट परसेप्टेबल टू आवर सेंस एंड इज कॉग्निजेबल ओनली बाय द एफेक्ट्स दैट इज कॉज्ड इन मटीरियल बॉडी। मतलब उसके जो भी इफेक्ट वो कॉज करती है एक बॉडी में, उसी से उसके होने का पता चलता है। इट्स एग्जिस्टेंस कैन ओनली बी नोन थ्रू इट्स फंक्शनल मैनिफेस्टेशन। मतलब वाइटल फोर्स हमें दिख तो रही नहीं है, तो वो जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई काम करवाती है, कोई फंक्शन परफॉर्म करवाती है, तो उसी के थ्रू उसकी प्रेजेंस का हम लोग को पता चलता है। वी कैन नॉट सी वाइटल फोर्स बट फील इट्स एग्जिस्टेंस व्हेन इट एक्ट्स थ्रू द मटीरियल बॉडी एक्सप्रेसिंग डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक क्या होता है? मतलब पावर्ड, सेल्फ पावर्ड। तो जो वाइटल फोर्स होती है वो खुद से सेल्फ पावर्ड होती है। ऐसा नहीं है कि उसे कोई गवर्न करता रहता है। मतलब वाइटल फोर्स कोई का कोई सुपीरियर नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी का हेड है, वो उसको गवर्न करता है, पर जो वाइटल फोर्स है इसका कोई गवर्न नहीं करता है इसको, ये सेल्फ पावर्ड होती है। हाँ, आइए देखते हैं। ऑटोक्रेटिक मीन्स सेल्फ पावर्ड। द वाइटल फोर्स इज ऑटोक्रेटिक, इट इज सुप्रीम अथॉरिटी रूलिंग इट्स ओन वे। इट रिमेन्स इन द ऑर्गेनिज्म एज पर इट्स ओन विल एंड मेंटेन्स द इंटीग्रिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म की इंटीग्रिटी को मेंटेन करती है। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब क्या होता है? सेल्फ एक्टिंग, वो खुद से काम करती है। जैसे लिखा है, द वाइटल फोर्स इज ऑटोमेटिक फोर्स विच एनिमेट्स द होल मटीरियल ऑर्गेनिज्म एंड इम्पार्ट्स लाइफ टू इट। इट रिएक्ट्स स्पॉन्टेनियसली टू ऑल द स्टिमुलाई अगेंस्ट इटसेल्फ। वाइटल फोर्स क्या करती है? वो खुद से काम करती है। उसको अगर कोई डिजीज़ आती है दिखेगी तो वो रिएक्ट करेगी और उसको ठीक कर देगी। मतलब वो स्पॉन्टेनियसली काम करती है। हमने इससे पहले पढ़ा ऑटोक्रेटिक, मतलब उसको कोई गवर्न नहीं करता। अगर किसी चीज़ को कोई गवर्न नहीं कर रहा है तो उसको खुद से काम करना पड़ेगा, तो वो ऑटोमेटिक होती है। नेक्स्ट डायनामिक। डायनामिक मतलब क्या होता है? डायनामिक मतलब होता है फोर्स इन एक्शन। डायनामिक टर्म यूज़ किया जाता है एक एनर्जी के फॉर्म में जो प्रेजेंट हो। तो इसमें लिखा है, इट इज़ प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ ह्यूमन इकोनॉमी। इकोनॉमी मीन्स सेगमेंट्स, ईच सेल्स। विदाउट दिस वाइटल एनर्जी द सेल और द होल बॉडी बिकम्स अनएनिमेट एंड इज डेड। अगर कोई भी बॉडी
का पार्ट जैसे सेल हो, टिश्यूज हो, उसमें बिल्कुल भी लाइफ नहीं होगी अगर वाइटल फोर्स प्रेजेंट ना हो। नेक्स्ट है अनइंटेलिजेंट एंड इंस्टिंक्टिव। इंटेलेक्ट क्या होता है? इंटेलेक्ट होता है पावर टू जज। अगर हम लोग किसी चीज़ के बारे में अपना ओपिनियन बता सकते हैं, मतलब हम उसको जज कर सकते हैं, लेकिन वाइटल फोर्स किसी चीज़ को जज नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी बॉडी में कोई डिजीज़ आने वाली है और वाइटल फोर्स के पास इतना दिमाग है कि वो उसको आने से रोक ले, ऐसा नहीं हो सकता। वाइटल फोर्स उसको आने के बाद ठीक कर सकती है, लेकिन उसको पहले से आने से रोक नहीं सकती। क्या लिखा है यहाँ पे? इट कैन नॉट टेक सुटेबल डिसीजन एज पर चेंजिंग सिचुएशन एंड ऑलवेज वर्क्स थ्रू इट्स ओन इंस्टिंक्ट। मतलब वो खुद की इच्छा से काम करती है और वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती है। नेक्स्ट, वाइटल फोर्स क्या करती है? डोमिनेशन एंड कंट्रोल। वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करती है। हारमोनियस कोऑर्डिनेशन, हम लोग की बॉडी की कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करती है। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन इसका मेन काम है। ये हमारी बॉडी को डिजीज़ कंडीशन से प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पे हमारे पास वाइटल फोर्स का रोल है डिजीज़ में। डिजीज़ में वाइटल फोर्स का क्या रोल हुआ? वाइटल फोर्स जो होती है, अगर वो नॉर्मल स्टेट में रहती है तो हेल्दी होता है एक पर्सन। अगर किसी की वाइटल फोर्स अच्छी है, खुश है, सब कुछ अच्छा है, तो वो हेल्दी होगा। लेकिन अगर वाइटल फोर्स डीरेंज्ड हो जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो मॉर्बिफिक एजेंट्स की वजह से। मॉर्बिफिक एजेंट वो होते हैं जो कोई भी डिजीज़ कॉज करते हैं। तो वाइटल फोर्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ जा रही है तो वो डिजीज्ड हो जाती है। नेक्स्ट है रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन क्योर। क्योर क्या होता है? किसी भी बीमारी को ठीक करना क्योर कहलाता है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे इन अक्यूट डिजीज़। द वाइटल फोर्स इज ऑलवेज अटेम्प्टिंग टू रिकवर। इफ द अक्यूट डिजीज़ आर नॉट ऑफ टू वायलेंट कैरेक्टर, द वाइटल फोर्स कैन ओवरकम द डिजीज कंडीशंस थ्रू इट्स ओन पावर। मतलब वाइटल फोर्स इज ऑलवेज अटेम्प्टिंग टू रिकवर, वो हमेशा ठीक होने की कोशिश करती है। अब हम अक्यूट डिजीज़ की बात करें तो अक्यूट डिजीज़ क्या होती है? कोई भी ऐसी बीमारी जो तुरंत आई, आपकी तबीयत ख़राब की, और उसके बाद या तो वो ठीक हो गई, या तो उससे इंसान ठीक हो जाता है खुद से, या तो उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो अक्यूट डिजीज़ में मान लो कोई बहुत वॉयलेंट कैरेक्टर की अक्यूट डिजीज़ नहीं हुई, तो अक्यूट डिजीज़ अटैक की बॉडी पे, वाइटल फोर्स ने उसको ख़त्म किया अपनी पावर से और बॉडी हेल्दी हो गई। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो अक्यूट डिजीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है उसका वाइटल फोर्स के ऊपर। ऐसी कंडीशन में वाइटल फोर्स कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो क्योर नहीं प्रोवाइड कर पाती। नेक्स्ट, इन क्रोनिक डिजीज़। क्रोनिक डिजीज़ क्या होता है? वाइटल फोर्स क्रोनिक डिजीज़ को भी ठीक कर सकती है, लेकिन उसको कुछ मेडिसिनल हेल्प की ज़रूरत होती है। मेडिसिनल हेल्प, इसका एग्जांपल हम कैसे समझें? सपोज़ हमें कोई चीज़, कोई बीमारी है, हमें उसको ठीक करना है। हमारे पास ठीक करने की एक अलग एग्जांपल से देखते हैं। सपोज़ हमें कोई टास्क परफॉर्म करना है, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो हमारे पास जनरेटर है पर फ्यूल नहीं है। तो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर से पैदा तो कर सकते हैं, पर जनरेटर को चलाने के लिए हमें फ्यूल की ज़रूरत होगी। उसी तरह जो वाइटल फोर्स है उसको कुछ मेडिसिनल हेल्प की ज़रूरत होती है डिजीज़ को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट, रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन होम्योपैथिक क्योर। एज अ रिजल्ट अ सिमिलर स्ट्रॉन्गर मेडिसिनल डिजीज इज प्रोड्यूस्ड विच परमानेंटली रिमूव्स द नेचुरल डिजीज़। जैसे वाइटल फोर्स है हमारी बॉडी में, तो हमें कोई डिजीज़ हो गई, अब वाइटल फोर्स क्या करती है? एक आर्टिफिशियल डिजीज़ प्रोड्यूस करती है जो उस डिजीज़ से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो। तो क्या होता है, वो डिजीज़ जो होती है वो कम वाली डिजीज़ को ख़त्म कर देती है, और जो वाइटल फोर्स है वो मेडिसिनली डिजीज़ हो जाती है। मतलब जो नई डिजीज़ है उसने पुरानी डिजीज़ को तो ठीक कर दिया, पर अब नई डिजीज़ वाइटल फोर्स को हो गई, और वो जो डिजीज़ हुई उसको मेडिसिनल डिजीज़ कहते हैं। अब इसको कैसे ठीक करेंगे? द सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन ऑफ वाइटल फोर्स लीड्स टू क्योर।
सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन क्या हुआ, मतलब वाइटल फोर्स ने किसी चीज़ को ठीक किया लेकिन वाइटल फोर्स बीमार हो गई, तो अब वाइटल फोर्स को ठीक करने के लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो ऐसा क्या होता है कि जैसे इसीलिए हम लोग होम्योपैथी में पढ़ते हैं कि हमें हमेशा मिनिमम डोज देना चाहिए और शॉर्ट टाइम और लिमिटेड पीरियड के लिए। जैसे उस माइन्यूट डोज था तो हमने कोई मेडिसिन दी, बहुत माइन्यूट थी, उसने क्या किया, पुरानी वाली मेडिसिन जो डिजीज़ थी उसको तो ठीक कर दिया, लेकिन जो वाइटल फोर्स बीमार हुई है वो कुछ टाइम के लिए बीमार होती है, और फिर जैसे जैसे वो इतनी डाइल्यूट फॉर्म में मेडिसिन रहती है कि धीरे धीरे उसका इफ़ेक्ट सारा ख़त्म हो जाता है और पेशेंट हेल्दी हो जाता है। द वाइटल फोर्स बिकम्स फ्री फ्रॉम बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल डिजीज एंड रिटर्न्स टू इट्स नॉर्मल कंडीशन एंड टेक्स द चार्ज ऑफ ऑलरेडी अल्टर्ड टिश्यू एंड लीडिंग अल्टीमेटली टू हेल्थ। नेक्स्ट है रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन क्योर ऑफ आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज। आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज क्या होती है, देखिए जैसे आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज का इफेक्ट पर वाइटल फोर्स का इफेक्ट देखिए, इफ द वाइटल फोर्स इज टू मच वीकेंड बाय मिस्चीवियस एक्ट्स ऑफ एलोपैथिक नॉन हीलिंग आर्ट। देखिए एलोपैथी को हम हमेशा नॉन हीलिंग आर्ट या ओल्ड स्कूल कहते हैं, तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट सपोज एक पेशेंट है वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहा है लेकिन उसकी बीमारी जड़ से ठीक नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन वो मेडिसिन ले लेके उसने वाइटल फोर्स को इन्हांस करने के लिए मेडिसिन ली थी, लेकिन वो उस मेडिसिन से वाइटल फोर्स बहुत ज़्यादा वीक हो गई है और अब क्या हुआ, अब वो डिजीज़ क्योर नहीं कर सकती है। तो ऐसी कंडीशन में जो आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज़ वाली कंडीशन है इसमें जो क्योर होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ईजिली पेशेंट क्योर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये था वाइटल फोर्स के बारे में आज के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर कोई डाउट्स हो तो। थैंक यू।